सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। अब हम लोग चल रहे हैं लखनऊ से नोएडा, और प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा सीएनजी पे कितना एवरेज मिला, क्या मिला। फर्स्ट ड्राइव है, अभी गाड़ी में 20 किलोमीटर ही चली है, तो ओवरऑल मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा सीएनजी का और ड्राइव ओवरऑल कैसी रहती है। हालांकि मैं थका तो बहुत हुआ हूँ क्योंकि डिलीवरी लेने पूरा दिन भर टाइम लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, फाइनली हमने गाड़ी अपनी छोटी सी एक ड्राइव भी कर ली लखनऊ में। अभी यहाँ देखिए पारा की तरफ मैं आया हूँ, और काफ़ी साइलेंट इंजन है, एकदम अंदर आवाज़ नहीं पता चलती, अपराइट पोजीशन है, तो बढ़िया है। ओवरऑल फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्रैंड विटारा का। और अभी तो देख सकते हैं, अभी नोएडा चल के ये सब कवर ओवर हटाएंगे और प्रॉपर अच्छे से अनबॉक्सिंग करेंगे अपनी गाड़ी की। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल लिए हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे सीएनजी भरा रहे हैं अभी यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। सीएनजी पंप अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे पे। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से बुद्धेश्वर तक आएंगे, बुद्धेश्वर से लेफ्ट लेंगे तब यहाँ पे सीएनजी पंप एक मिलेगा इंडियन ऑयल का। अभी देखता हूँ कितना टाइम लगता है, 8:08 हुआ है और हमारे आगे 3-4 गाड़ियां। हम लोग चल रहे हैं यहाँ से अपना नोएडा के लिए, और देखते हैं टाइम कितना लगता है। सीएनजी मैंने फुल करा लिया और ट्रिप जीरो कर दिया, देखते हैं एक टैंक में हमें कितना, मतलब कितना इसमें ओवरऑल सीएनजी आती है। और ये देख सकते हैं अपना ऑटो डिमिंग IRVM इसमें, और ये अपना पूरा सेटअप है। अभी एम्बिएंट लाइट नहीं चल रही, वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, पहली ट्रिप है, उसके बाद देखते हैं कैसे ऑन होती है। तो अभी फिलहाल चलते हैं, 8:30 पे हम एक्सप्रेस वे टच कर जाएंगे, फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली एंटर हो गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और अभी सीएनजी का अपना एक पॉइंट कम हो गया क्योंकि पूरा आई नहीं थी सही से, तो अभी एक पॉइंट कम हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कैसी ड्राइव रहती है ग्रैंड विटारा की, फर्स्ट ड्राइव। और आप लाइट का थ्रो आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये अपनी लो बीम है और ये हाई बीम है, तो लाइट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है इसकी जेटा मॉडल में। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी अच्छी लाइट है, ये अपना इस तरीके का थ्रो है। अभी तो सामने से लाइट आ रही है, मैं एकदम बिल्कुल जहाँ पे नहीं होगी लाइट वहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ये देखिए अभी एकदम, ये सिर्फ TRL है, ये देखिए अब ये लाइट जल रही है, और ये लो बीम है, ये हाई बीम है, काफ़ी अच्छा थ्रो है ओवरऑल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी। तो अभी चलते हैं, हम लोग एंटर हो गए, 8:30 बज चुका है, और देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचते हैं नोएडा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये 92 पे मैंने क्रूज सेट किया हुआ और 2500 RPM के अराउंड गाड़ी चल रही है। अभी अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके का ग्लो है इसमें लाइट्स का, लाइट है। अभी 10 मिनट हुआ है, हमने पहला टोल क्रॉस किया अपना लखनऊ साइड वाला, अब चलते हैं आगे की तरफ। 8:40 हुआ है, ये अपना एयर स्ट्रिप आ गई, और यहाँ पे प्लेन लैंड करते हैं, मतलब इमरजेंसी में प्लेन लैंड कराने के लिए जो एरिया है, ये अपना रेस्ट एरिया से पहले ही पड़ता है। हम लोग यहाँ पहुँच गए, टाइम अभी 9:15 हुआ है, उनको चले हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं, और सीएनजी अभी आप देख सकते हैं इतनी बची है, आधे से थोड़ा सा, आधा नहीं, लगभग 70% अभी बचा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी 9:23 हो गया और ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला हमें चले हुए, और अभी हम लोग पहुंच गए हमने फर्स्ट रेस्ट एरिया पे। तो यहाँ से अभी चलते हैं और देखते हैं कुछ खाते हैं कि क्या करेंगे, और फिर आगे वाले पे तो सीएनजी, अब यहाँ पे अगर सीएनजी होगा तो यहाँ पे फिर टॉप अप करा लूँगा मैं और फिर आगे चलता हूँ। तो ये अपने रेस्ट एरिया के लिए हम अंदर आ गए। तो
एग्जैक्ट एक घंटे में अभी हम लोग फर्स्ट वाला रेस्ट एरिया पहुंच गया और यहाँ पे अभी खाना खाते हैं फिर आगे चलेंगे। और यहाँ शायद सीएनजी भी है, जियो वाला पीछे पंप दिख रहा है, तो देखता हूँ अगर यहाँ पे टॉप अप करा सकते हैं तो टॉप अप करा लेंगे। फ्रेंड्स 9:40 हो गया और 10-15 मिनट हो गए अपने को रुके हुए यहाँ फुट प्लाजा पर। अब यहाँ से चलते हैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी यहाँ पर, तो देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी मस्त लग रही है अपनी ये रेस्ट एरिया पे। और यहाँ पे ये जियो का पंप है, अब देखते हैं यहाँ पे सीएनजी अगर होती है तो यहीं पे फिल अप करा लेंगे फिर आगे चलेंगे। ये अपना लोग है, आगे से अभी पूजा हुई है उसके वो बना हुआ है, तो अभी बस 5-10 मिनट और वेट करते हैं और वॉशरूम और होके फिर निकलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट रेस्ट एरिया है, जब हम लखनऊ से आएंगे आगरा की तरफ तो यहाँ पे आपको सीएनजी नहीं मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसीलिए चेक किया, और इसके बाद वाले पे आपको सीएनजी मिलेगी। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी है सीएनजी, वो नेक्स्ट वाले तक तो चल जाएगी आराम से, जहाँ तक मुझे लग रहा है हाफ है तो 100 किलोमीटर और जानी चाहिए, अब देखते हैं कितना होता है फिर आपको बताऊंगा। तो अभी टाइम हो गया 9:45, हमारा 15-20 मिनट का ब्रेक था, अब आगे चलते हैं। जनरल बस जा रही है अपनी लखनऊ से दिल्ली, और अभी फ्रेंड्स हम लोग 139 किलोमीटर चल चुके हैं सीएनजी पे, और अभी भी आप देख सकते हैं सीएनजी लगभग 40% बची हुई है, तो अब देखते हैं कितना एवरेज आता है पूरा फुल टैंक में। तो फ्रेंड्स हम लोग सेकंड रेस्ट एरिया पहुंच गए 11:15 बजे, और देखते हैं यहाँ पे सीएनजी फिल अप कराना है, और अभी कुछ खाने का तो ऐसा वो नहीं है, सीएनजी मिल जानी चाहिए जहाँ तक। तो अभी भी 2 पॉइंट बचे हैं, हम लोग सीएनजी पंप पे आ चुके हैं, देखते हैं कितना और आती है। तो 11:15 हो गया, अब सीएनजी फिल करके यहाँ से चलते हैं, बस एक ही गाड़ी थी लाइन में, अब फिल अप करा के फिर चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं आगे अपना यमुना एक्सप्रेस पे कहाँ पे मिलते हैं। KG गैस आई हमारे में, और ये देख सकते हैं अभी पूरा फिल हो गया, और हमने मतलब पूरा फिल करके ही चले थे वहां से भी, तो अगर वैसे देखे तो हमें 204.4 इतना किलोमीटर हमने चले 656 रुपए में, 636 रुपए में, तो इतना आप अपना निकाल सकते हैं कितना आ रहा है, 204 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं कितना होता है, अब यहाँ से चलते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, कंटिन्यू करते हैं जर्नी अपनी। अभी अभी तक तो बढ़िया रहा गाड़ी का ओवरऑल, अब आगे देखते हैं कैसा है। अब इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे देखते हैं कहाँ मिलता है अपना नोएडा से पहले। ये यहाँ पे टॉरेंट का था, 94 रुपीस प्राइस है यहाँ। अब हम लोग दूसरे रेस्ट एरिया पे पहुँच गए, और सॉरी टोल पे पहुँच गए आगरा वाले, और टाइम अभी 12:20 हुआ है। तो ये अपना टोल हो गया एग्जिट, अब यहाँ से 18 किलोमीटर और ये एक्सप्रेसवे बचा है,
और इसके बाद हम लोग एग्जिट करेंगे यहाँ से और चलेंगे यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा इनर रिंग रोड होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पे। फ्रेंड्स हम लोग अब आगरा एग्जिट पे पहुँच गए, हम स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए और अगर लेफ्ट हो जाएंगे आप तो आगरा जा सकते हैं, तो अब यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो आगरा जा सकते हैं। यहाँ से हम स्ट्रेट चलेंगे दिल्ली के लिए और टाइम अभी हो रहा है 12:32। यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे आगरा इनर रिंग रोड पर। ये अपना आगरा इनर रिंग रोड का टोल है, से भरा आगरा इनर रिंग रोड का टोल है और यहाँ पे ऐसे ही जाम रहता है हमेशा। फ्रेंड्स अब हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे एंटर कर गए और 1:00 12:44 टाइम हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैम, यहाँ से हमारा घर का डिस्टेंस है 192 और यमुना एक्सप्रेस वे 164 किलोमीटर और बचा है। अब चलते हैं आगे एक सीएनजी पंप भी टॉप अप में कराना है सीएनजी, फिर आगे चलेंगे। अभी 12:56 हुआ है और हम लोग मतलब 1:00 गया, हम लोग अभी आगरा साइड वाले टोल प्लाजा पे आ गए। यहाँ पे 3 यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल प्लाजा पड़ते हैं, आगरा मथुरा और जेवर, फिर सीधे हम लोग नोएडा जाएंगे। तो ये टोल है, इसके बाद 2 टोल और पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमेशा ऐसे ही टाइप का रहता है, इधर आगरा वाला एक्सप्रेस वे में ही सबसे बढ़िया रहता है टोल के लिए। फ्रेंड्स अब 1:25 हुआ है, हम लोग मथुरा पहुँच गए। आगे से हम एग्जिट ले सकते हैं आप मथुरा के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लेफ्ट पे मथुरा के लिए एग्जिट ले सकते हैं और कृष्ण जन्मभूमि और इधर जाने के लिए आपको यहीं से लेफ्ट जाना है मथुरा के लिए। और इसके थोड़े आगे वृंदावन का भी एग्जिट आ जाएगा, वो भी मैं दिखा दूंगा। 110 किलोमीटर पे माइलस्टोन पे है मथुरा का एग्जिट, इधर उधर से एंट्री है। ये हमारा फ्रेंड्स वृंदावन का एग्जिट है यहाँ पे, और सामने ही आप देख सकते हैं शिवा ढाबा भी दिख रहा है। तो ये सबसे अच्छा ढाबा है इस रूट का, तो अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे मामा यादव शिवा ढाबा पे रुक सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी काफी है, ऊपर से निकल के कहाँ जाते हैं। तो सीएनजी पंप है नहीं, देखते हैं। तो अभी वृंदावन पहुंच गया, बांके बिहारी लाल की जगह। तो अभी हमने वृंदावन क्रॉस कर लिया, अब आगे चल के कहीं पे सीएनजी बनानी है। अभी अपना एक एग्जिट आने वाला है जहाँ पे रेस्ट एरिया भी है और सीएनजी पंप भी है। ये देखिए, अगर आपने आगरा वाला लखनऊ आगरा वाले में दूसरे वाले में भराया तो उसके बाद आप यहाँ भरा सकते हैं सीएनजी। तो यहाँ से अभी हम एग्जिट लेते हैं, देखते हैं सीएनजी अवेलेबल है कि नहीं। In 400 meters, turn left. इस टाइप का है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सुनसान टाइप का है बट ठीक है, यहाँ पे पंप तो है ही है और बाकी अंदर कॉफी वॉफी भी है। Turn left. तो अभी फ्रेंड्स हमने जहाँ पे आपको दिखाया वहाँ पे पंप में उन्होंने मना कर दिया, सीएनजी थी बट वो कह रहे थे कि स्टाफ सो रहा है इसलिए अभी नहीं डाल पाएंगे, पेट्रोल डाल रहे थे बट सीएनजी नहीं डाला। तो अब आगे चलते हैं, उन्होंने बताया टोल के आगे है जो अपना मथुरा टोल है, उसके बाद तो चल के देख लेते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पेट्रोल पे चला लेंगे। और गाड़ी ओवरऑल काफ़ी कम्फर्टेबल है और मैं लखनऊ से यहाँ तक लगातार ड्राइव करके आया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे एक्सयूवी में जैसे ड्राइव करते थे आराम, वैसे ही इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जेवर वाला टोल फाइनल लास्ट टोल है जर्नी का और अब अपने टाइम आप देख सकते हो ETA 3:23 है। थोड़ी देर यहाँ पे
मुंह हाथ धोएंगे फिर आगे चलते हैं नोएडा के लिए। टाइम हो गया है 2:30 बज रहे फ्रेंड्स, 2:30 बजे है। गाड़ी को अपने यहाँ पे पार्क किया है, गाड़ी देख सकते हो मस्त लग रही, और अब चलते हैं यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी या चाय कुछ लेते हैं, फिर डायरेक्ट अब तो घर ही चलना है यहाँ से। तो ये अपनी कुल्लड़ वाली चाय 26 रुपए की, और यह स्वीट कॉर्न कितना 106 का, जो अपनी गाड़ी ग्रैंड विटारा। ये जेवर टोल प्लाजा के आगे हम लोग रुके हैं नोएडा की तरफ। फ्रेंड्स अब हम लोग चल चुके हैं और 2:45 हुआ, 66 किलोमीटर है और 1 घंटे का टाइम लगेगा यहाँ से। तो अभी अपना यमुना एक्सप्रेस वे में हम लोग मर्ज हो जाएंगे यहाँ से और फिर चलते हैं आगे नोएडा की तरफ। और अब CNG का देखते हैं, मुश्किल ही है यहाँ पर मिलेगा तो भरा लेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे फॉर 38 किलोमीटर मिलेगा तो भरा लेंगे, नहीं तो फिर पेट्रोल है ही ना, चला जाएंगे। नोएडा की तरफ थोड़ा फॉग भी है मॉर्निंग में, अभी तक तो नहीं मिला था कहीं, यहाँ पे नोएडा के पास ही मिल रहा है। बीच में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया अपना 15-20 मिनट पेट्रोल पंप देखने के चक्कर में, और अभी ये ईस्टर्न पेरिफेरल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर जो रोड जा रही है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। अब यहाँ से हम आगे 0 पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। टाइम अभी 3 बजे, अपना एक्सप्रेस वे कम्प्लीट हो गया 3:13 पर। और अब यहाँ से दो रास्ते, दोनों रास्ते से हम जा सकते हैं, स्ट्रेट जाएंगे तो परी चौक से होके जा सकते हैं, बट अभी हम बट यहाँ से एक्चुअली हमें लेफ्ट दिखा रहा है, तो अभी हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे होके चलते हैं लेफ्ट लेकर रास्ते। तो हम चल रहे हैं नोएडा और दिल्ली की तरफ, और स्ट्रेट आप ग्रेटर नोएडा परी चौक के लिए जा सकते हो उधर। तो अपना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे हम लोग आ गए, और ये बगल में अपना जो मेट्रो नोएडा मेट्रो की लाइन है, और स्ट्रेट हम लोग नोएडा की तरफ चलेंगे। वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करेंगे, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।